जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली गाड़ी लेना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लेना चाह रहे हैं और माइलेज अच्छा मिल जाए ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो यार वर्थ है। डिस्काउंट लगाने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको ये वाला वेरियंट 6-6.5 के आसपास तक का पड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OB008। भाई ये गाड़ी जो है ना यार इतनी सही लगती है, छोटी सी प्यारी सी, लेकिन फिर भी क्या है ये गाड़ी की जो सेल है वो कम होती जा रही है। अब लोग पसंद करते हैं मारुति में, अगर स्पेशली बात कर लो वैगन आर वगैरह हो गई या फिर सलेरियो हो गई, इस तरह की गाड़ियां पसंद करते हैं, लेकिन इसको कोई देखता ही नहीं है। यार ये गाड़ी एक बार जरूर देखो, इसकी पावर अच्छी है, लुक्स जो है भाई वो सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर इसकी ओवरऑल आप चीज़ें देखोगे ना तो भाई ये गाड़ी पसंद आ जाएगी आप लोगों को। सबसे मेन क्या है भाई, साल का एंड चल रहा है, दिसंबर चल रहा है और एज़ यूजुअल इस पर ऑफर्स जो हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अभी क्या है, अगर ऑफर्स की बात करोगे तो लगभग इस पे 55-60 हज़ार रुपये तक के ऑफर्स हैं, जिसमें से लगभग 40 हज़ार रुपये का कैश डिस्काउंट है। ये वेरिएंट जो है यार सबसे बेस वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट। ये जो है ना, इसका अगर आप फ्रंट लुक देखोगे तो फ्रंट से देखने में आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि भाई ये बेस वेरिएंट है। नीचे ही देख लो आप लोग यार, स्किड प्लेट दे रखी है इसके अंदर, यहाँ पे आपको क्रोम दे रखी है, सुजुकी का लोगो हो गया और हेडलाइट सेटअप तो देखो कितना बड़ा है, और फॉग लैंप्स भी चाहो तो लगवा सकते हो। हैलोजन है ये, इसके अंदर आप LED लगवा लोगे तो थ्रो तो खैर यार सुपर हो जाएगा। बाकी इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट का लुक भाई सिंपल एंड सोबर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अब सबसे बढ़िया क्या बात है, यहाँ पे आप टायर साइज़ की बात कर लो, ब्रिजस्टोन का टायर दे रखा है, स्टील व्हील है और 175/65 R15 15 इंच का टायर है इसके अंदर। यहाँ पे फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और ORVM आपको बॉडी कलर्ड हैं, डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर्ड हैं और वैसे वाले नहीं है जो ऐसे खोलने वाले होते हैं भाई, प्रॉपर प्रीमियम टाइप्स वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ग्लास एरिया जो है वो भी डिसेंट है और अंदर स्पेस की बात करोगे तो स्पेस भी आपको डिसेंट मिल जाएगा। एक्सटीरियर में अगर आप कुछ कुछ चीज़ें देखोगे तो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे रियर में देखोगे आप लोग तो भाई ये देखो वुल्वरीन वाले पंजे बोल लो या 3 लाइन हो गई या एडिडास का साइन मान लो, XYZR कुछ भी मान लो, लेकिन काफ़ी सही लग रहा है। अब क्या है, सिग्मा में ना यहाँ पे स्पॉइलर नहीं आता, इसको स्पॉइलर लगवा लोगे यहाँ पे तो और यार स्पोर्टी सी हो जाती है ये। रियर में डिफोकर्स वगैरह नहीं है इसके अंदर। पीछे लाइट का सेटअप देखो वो भी काफ़ी प्यारा सा है, हैलोजन के अंदर है, इसी में सब कुछ कंबाइन हो जाता है, स्टॉप लैंप, रिवर्स लैंप, इंडिकेटर्स, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर्स। अब यहाँ तो देखो भाई स्किड प्लेट आपको पीछे भी दे रखी है, यहाँ पे आप सुजुकी का लोगो मिलेगा, इग्निस हो गया, नेक्सा की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि नेक्सा के थ्रू बेची जा रही है, और ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको रेगुलर एंटेना मिल जाता है। अब क्या है, जो इसका बूट है ना वो आपको चाबी से एक्सेस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार इतनी बातें हो गई, कीमत तो बता दो, तो इस गाड़ी की जो कीमत है 5,84,000 रुपये एक्स शोरूम है और ऑन रोड ये लगभग 6,64,000 रुपये के आसपास की पड़ती है। बाकी डिस्काउंट लगाने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको ये वाला वेरिएंट 6-6.5 के आसपास तक का पड़ जाएगा, तो भाई इस रेट में तो यार मतलब क्या सही डील है। रियर ट्रिम देखो कैसी होती है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ब्लैक मिल जाएगी इसके अंदर ना यार, आपको यहाँ पे ये वाला मैनुअल वाला सिस्टम मिलेगा। यार ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप चाहो तो बाहर से इसको आफ्टर मार्केट करवा सकते हो, 3-4 हज़ार रुपये का वो पेयर लगता है अगर चाहते हो, अदरवाइज ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली गाड़ी लेना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लेना चाह रहे हैं और माइलेज अच्छा मिल जाए ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो यार वर्थ है, क्योंकि लगभग इस गाड़ी से आप 21 का माइलेज निकाल सकते हो। यहाँ पे आपकी बोतल की प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, नीचे आप स्पीकर की ग्रिल है, स्पीकर लगवा सकते हो, इसमें अपनी मनपसंद का आप यार स्टीरियो सिस्टम लगवा सकते हो। सीट्स देखोगे तो सीट्स भी ठीक हैं, यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही हैं। यहाँ पर आपको जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड हैं। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब रियर में आओगे इसका बूट स्पेस, तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो भाई अगर आफ्टर मार्केट CNG लगवाना चाहते हैं ना, मतलब अगर कोई चाहता है इस रेट में लेके गाड़ी में CNG लगवा ले, तो देखो यार बूट तो कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, वैसे देखोगे लगज के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ बात मैं CNG की कर रहा था। तो अब CNG आपको पता है कि RTO से पास हो रही हैं इजीली, तो यहाँ पे आपकी भाई CNG पास हो जाएगी अगर कोई चाहता है, और भाई उसको कम्यूट करना है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए या फिर किसी को सेकेंडरी कार भी चाहिए, तो उसके हिसाब से यार काफ़ी सही है ये। यहाँ पे एक आपकी शेल्फ लग सकती है इस वेरिएंट में जो नहीं आती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि बेस वेरिएंट है यार, बेस से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फीचर्स के मामले में। यहाँ पे आप नोटिस करो ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली आपकी रूफ है, बाकी
ग्रैब हैंडल्स आपको सब जगह दे रखे हैं। स्पेस यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा, अगर कोई पीछे पैसेंजर बैठता है ना तो कंफर्टेबली इसमें बैठ जाएगा। वो बात अलग है, अब इसकी हाइप वाइप ज़्यादा नहीं बन रही है, लेकिन भाई अगर सीरियसली कोई सीरियस प्लान बना रहा है ना तो एक बार इसमें निगाह मार सकता है। चलिए अब एक बार फ्रंट ट्रिम और देख लेते हैं। तो भाई ये है इसकी फ्रंट की ट्रिम, ये देखो यार सिल्वर हैंडल काफ़ी सही लग रहा है। और इधर आपको फ्रंट के दो विंडो के स्विच मिल जाते हैं, एक आपका ऑटो अप एंड डाउन हो जाता है, ये वाली विंडो जो है, डोर हैंडल हो गया, ये लॉक अनलॉक का बटन हो गया, और भी हम आपके मैनुअल ही हैं। यहाँ पे आप नोटिस करो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलना शुरू हो गया यार इसके अंदर, क्या सही चीज़ है। बाकी कीज़ देख लो आप, इस तरह की आपको कीज़ मिल जाएंगी, दोनों सिंपल कीज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। हेडलाइट लेवलिंग का स्विच हो गया, यहाँ पे आपको ABC पैडल हो गए, डेड पैडल भी दे रखा है। जो सीट्स हैं आपकी काफ़ी सही हैं, ये देखो चौड़ाई वाइज देखो और ऐसे लंबाई भी देख लो, और यहाँ पे आप बोस्टिंग भी चेक करो, काफ़ी सही बोस्टिंग है, प्रॉपर कंफर्ट वाली सीट्स हैं ये इसके अंदर। चलो अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो यार ये है इसका इंटीरियर, जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको इस तरीके से मिलेगा, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, ये सिल्वर फिनिशेस अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स हो गए, वाइपर, इधर आपको हेडलैम्प्स के हो गए, और एडजस्टमेंट्स की बात करोगे तो हाँ इसमें एडजस्टमेंट्स भी हैं। ये आपका हाइट हो गया, जो सिर्फ हाइट ही है, जो इसका मीटर है ना वो आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा, कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस हिसाब से बिल्कुल कोई बेसिक पर्सन है ना, बहुत ही उसके लिए तो बढ़िया चीज़ हो जाने वाली है। ये पूरा डैशबोर्ड है, फ्रंट में आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया इसके अंदर, सेंटर का पार्ट देखोगे अपनी मनपसंद का आप स्टीरियो लगवा सकते हो, किसी को टू टिन लगवाना है टू टिन, किसी को टच स्क्रीन लगवाना है टच स्क्रीन, वैसे तो टच स्क्रीन का जमाना है तो टच स्क्रीन लगवा लोगे तो ठीक है। आता कितने का है भाई, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता, तो 4-5 हज़ार रुपये का बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। यहाँ पे आपका हैजार्ड स्विच हो गया, यहाँ पे आप देखो ये मैनुअल एसी की यूनिट हो गई, 12 वोल्ट का सॉकेट है, इधर स्पेस है, दो कप रख सकते हो, यहाँ पे आपको लेदर गियर नॉब, ठीक है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। यहाँ पे आप देखो स्पेस आप यहाँ से पता लगा पाओगे, और ये आपका हो गया यहाँ पे स्पेस, ऊपर भाई देखो एक छोटा सा स्पेस भी दे रखा है, और यहाँ पे आपको छोटा मोटा कुछ, मतलब ऐसे तो रखने के लिए कुछ नहीं है बट छोटी मोटी कोई चीज़ चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। ये डिज़ाइन देखो इस इवेंट्स पे, कार्बन फाइबर फिनिशेस वाला डिज़ाइन है। चलिए ये हो गया, ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये आपका वाइजर है, लाइट हो गई हेलोजन के अंदर, यहाँ पे आपका अंदर माइक लग जाएगा, इसमें आता नहीं है, इधर आपको सिंपल ये वाइजर मिल जाता है। अब इसका जो इंजन है उसकी बात कर लेते हैं, 1.2 लीटर का इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 82 BHP और 113 Nm का टॉर्क, जो काफ़ी अच्छा होता है खासकर छोटी गाड़ी के हिसाब से। अगर आप कोई बड़ी गाड़ी भी लेने लगो ना प्रीमियम सेगमेंट में, तो उसमें भी 1.2 लीटर का ही इंजन आ रहा है और लगभग सेम पावर आउटपुट है, बट वही है वो थोड़ा सा प्रीमियम ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। वारंटी इसमें स्टैंडर्ड मिल रही है, सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको सारे स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जैसे ABS, EBD, डुअल एयर बैग, ट्रैक्शन भी है इसके अंदर, तो इस तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सही हो जाता है। और सबसे मेन यार कि इस रेंज में 6 लाख रुपए की रेंज की अगर आप बात करोगे, 6 लाख के आसपास में, तो छोटी छोटी गाड़ियां, मतलब आज के टाइम में अगर आप एल्टो भी लेने जाने लगो तो वो भी आपको कहीं ना कहीं 5.5 के आसपास मिल रही है। तो मतलब उस कैटेगरी में अगर कोई मतलब भाई लोग जा रहे हैं, जैसे आपका सेलेरियो हो गया या एल्टो हो गया है ना, उसमें जा रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ पे इस कार को भी देख सकते हैं, तो उनके लिए ये वर्थ होएगी। तो भाई ये था आपके सामने दिसंबर एंड में मारुति इग्निस का रिव्यू, ठीक है, इग्निस के अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है, क्या ऑफर्स चल रहे हैं, और डील तो यार ऑब्वियसली वर्थ ही होने वाली है। सिग्मा वेरियंट भी इसका बढ़िया है, और अगर ऊपर वाले वेरियंट्स में भी जाओगे ना कि अगर आपको फीचर्स चाहिए तो उसमें भी डिस्काउंट्स लगाने के बाद बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है। चलिए यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।